गए थे, कितने लोग थे आपके साथ जिनके साथ आप आंदोलन करने गए, क्या आपके सामने ही आपके कार्यकर्ताओं को मारा गया? नहीं, ऐसा है कि कोविड SOP को ध्यान में रखते हुए हमने सुबह निवेदन दिया कि हम लोग सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे और हम लोग एक संभाली लग जाएगा आपको। हाँ, तो हम लोग सिर्फ एक 25 से 30 कार्यकर्ता, बस इतने ही कार्यकर्ता हम भाजपा की तरफ से, हमारा जो विरोध प्रदर्शन हम करने के लिए गए थे वहाँ पर, तो जब ही पुलिस ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं को उठाकर वैन में डाला और पुलिस चौकी लेने के लिए निकले, 5 से 7 मिनट में जब हमारे कुछ कार्यकर्ता बचे थे वो गाड़ी की तरफ आ रहे थे हमारे पास आने के लिए पुलिस स्टेशन में, तो उनको सभी लोगों ने मिलकर एक साथ में एक प्लान के तहत गली के अंदर उनको हमला करके उन पे मारा। कितने लोगों पर हमला किया गया, उन्हें कितनी चोटें आई, और जिस तरह से आप लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, पुलिस स्टेशन की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसे हमारे 4 प्रमुख कार्यकर्ता, उन पर हमला गया। एक हमारी महिला जो मंडल अध्यक्षा है अक्षरा तेंडुलकर जी, उन पे भी विनय भंग किया गया है, बहुत शर्म की बात है। और हमने हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 5 आरोपियों जो भी आइडेंटिफाई हुए थे प्लस अन्य ऐसे आरोपियों के ऊपर आज FIR दर्ज हुई है, कुछ 12-13 कलम लगाए गए हैं, विनय भंग भी उसमें इन्वॉल्व है। और पहले तो पुलिस प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के दबाव से FIR नहीं ली जा रही थी, जब हमारे आला नेता मुंबई के वरिष्ठ नेता जब यहाँ पहुँचे, माननीय मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, प्रवीण दरेकर जी, प्रसाद लाड जी, आशीष शेलार जी, ऐसे हमारे नेता और अन्य आमदार सभी नेतागण यहाँ पहुँचने के बाद एक प्रेशर बिल्डअप किया कि आप सच्चाई के लिए लड़ो, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज कर दी। तेजिंदर जी, क्या लगता है भाजपा किस तरह से शिवसेना को जवाब देगी, क्योंकि जिस तरह से सुनने को मिला, जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है भाजपा की तरफ से, क्या भाजपा जवाब देगी शिवसेना को? बिल्कुल देगी। सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारी और एक सभ्यता वाली पार्टी है, लेकिन अगर हमारी महिला कार्यकर्ताओं पे ऐसे पीछे से हमला किया जाएगा तो हम लोग भी चुप नहीं बैठने वाले, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो युवा वर्ग है या युवा मोर्चा का वर्ग है, आगे आज के बाद अगर शिवसेना ने हमारे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आग उठाकर भी देखा तो हम लोग एक भी उनके कार्यकर्ता को छोड़ेंगे।